नमस्ते, वेलकम टू न्यूटेक फैमिली। मैं तीर्थ आज कुछ अपना इंजीनियरिंग रिलेटेड कौन सा जॉब अभी लॉकडाउन के टाइम में ग्रो करने वाला है, कौन सा डाउन करने वाला है, कौन सा जॉब सिक्योर है, कौन सा जॉब अभी प्रॉब्लमेटिक में, वो सारी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने पुराने वाले वीडियो में नॉर्मल जॉब्स के रिलेटेड बात किया था, रिलेटेड टू FMCG, मेडिकल इंडस्ट्री, ऑनलाइन कोचिंग, ये रिलेटेड सभी जॉब जो ट्रेन करने वाला है वो रिलेटेड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। वो वीडियो को आपको फिर से देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया है आपको अच्छा लगता होगा, उसमें से बहुत सारे नॉलेज आप गेन करते होंगे। आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियो यूट्यूब में अपलोड करता रहता हूँ, मेरा चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब किए तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वो देख सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं, ये जो कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन चालू है, लोग घर पे हैं, बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, ओके। प्लीज़ बाहर मत जाइए, जितने भी आपको नेसेसिटी इक्विपमेंट्स है आप ट्राई कीजिए बाहर से ऑर्डर करने के लिए। आप प्लीज़ सारे चीज़ घर पे रह के करने के लिए ट्राई कीजिए, बाहर मत जाइए। क्योंकि बड़े बड़े कंट्री जैसे US हो, यूरोप हो, यूरोप की सारे कंट्री, स्पेन, इटली, जर्मनी, ये सारे बड़े कंट्री ये कोरोना वायरस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन कंटिन्यू कर रहे हैं, घर पे लोगों को रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए। आज मैं बात करने वाला हूँ कौन सा इंजीनियरिंग ट्रेड्स और इंजीनियरिंग सेक्टर में ग्रो करने वाला है, कौन सा इंजीनियरिंग जॉब अभी मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, जो बंदे एक्सपीरियंस है, जिनके जॉब चला गया है कि जॉब अभी इनसिक्योर, तो इस टाइम पे कौन सा इंजीनियरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा डाउन की तरफ जा रहा है, उस चीज़ के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल सेक्टर के ऊपर। आपको पता रहेगा मैकेनिकल सेक्टर अभी बहुत डाउन है, सारे प्रोडक्शन बंद है, लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कि लॉकडाउन की वजह से ये सारे कंपनियां बंद है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में लेबर लगता है, मैन पावर लगता है, वो यहाँ पे कोरोना वायरस की थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज कंटिन्यू होने की वजह से अभी सारे कंपनियां बंद है। बट हाँ, अभी धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी के सिचुएशन में मैकेनिकल में कौन सा सेक्टर ग्रो करने कंपनी में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से मैन पावर रिड्यूस करना पड़ेगा और ऑटोमेशन सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा, मीन्स रोबोटिक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑटोमेशन में, जो प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने के लिए ड्रिलिंग और वेल्डिंग ये सब चीज करने के लिए ऑटोमेशन को यूज किया जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में ऑटोमेशन यूज है, बट अभी स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल में भी ऑटोमेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनियां बहुत सारे मैन पावर यूज करते थे उधर एक दो मैन पावर यूज करके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ऑटोमेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप इसमें ऑटोमेशन इंडस्ट्री में अभी मार्केट ग्रो कर सकता है, अभी ऑटोमेशन सेक्टर भी ग्रो होने वाला है। तो मैकेनिकल स्टूडेंट जो लोग अभी जॉब सर्च करना चाहते हैं, जो कि एक्सपीरियंस लोग हैं जिनका जॉब चला गया है, दूसरे डोमेन में थे, अभी वो ऑटोमेशन फील्ड में आ सकते हैं। ऑटोमेशन हो, कन्वेयर्स हो, कन्वेयर डिजाइनिंग हो, उस रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, जो कि सॉलिडवर्क्स हो, ऑटोडेस्क इन्वेंटर हो, ऑटोकैड हो, जो भी सॉफ्टवेयर उसमें यूज होता है मैक्सिममली हैवी इंजीनियरिंग के लिए, वो सब सॉफ्टवेयर आप लर्न करके ये मैकेनिकल इंडस्ट्री में ये जो जॉब सेक्टर है उस पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। पैकेजिंग सिस्टम भी बूम होने वाला है, क्योंकि पैकेजिंग और ऑटोमेशन दूसरा ऑनलाइन बिजनेस में भी डेवलप होने वाला है, क्योंकि उधर भी मैन पावर रिड्यूस करके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके पैकेजिंग बढ़ाने वाला है, क्योंकि अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट बहुत सारे अभी प्रमोट कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर, क्योंकि जो लोग बाहर जाके प्रोडक्ट
खरीदते थे, अभी वो मैक्सिमम ट्राई करेंगे ऑनलाइन वो प्रोडक्ट खरीदने। हर किसी को अभी डर है बाहर जाके शॉपिंग करना है, बाहर निकलने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, बट ड्यू टू वैक्सीन नहीं निकला है, अभी भी लोगों के मन में डर रहेगा, बाहर जाने के लिए वो डरेंगे। तो पैकेजिंग सिस्टम के ऊपर भी आप जॉब करना चाहते हैं तो वो पैकेजिंग सिस्टम में भी ग्रो कर सकता है मैकेनिकल इंडस्ट्री। ऑटोमेशन भी वो एरिया में भी ग्रो कर सकता है, आप वो रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, उसी रिलेटेड जॉब सर्च भी कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर आता है ऑटोमोटिव और ऑटोमोबाइल सेक्टर। आप लोगों को पता रहेगा 2018 एंड और 2019 शुरुआत से ही ऑटोमोटिव सेक्टर गिरा हुआ है, फॉल हुआ है उसका बिजनेस, क्योंकि लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल लेना है कि B4 से B6 को जो अपग्रेड हुआ है कौन सा गाड़ी लेना है। इसी के कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग गाड़ी अभी नहीं ले रहे हैं। एक स्टेज पे आने के बाद कौन सा गाड़ी ज़्यादा चलने वाला उसी के ऊपर फोकस करके गाड़ी लेने के चक्कर में है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ऑटोमोटिव सेक्टर इसलिए स्लो डाउन में चालू है। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ऑटोमोटिव सेक्टर अभी डाउन पे चालू है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर अभी डाउन है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आगे जॉब बूम करने वाला है, क्योंकि लोग अभी ट्रेंड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल अभी डिमांड होने वाला है, उसी के रिलेटेड आप कुछ नॉलेज गेन कीजिए। जो पहले BIW और शीट मेटल पे ज़्यादा फोकस किया जाता था प्रोडक्ट्स को, अभी मैक्सिमम FRP और कार्बन फाइबर उसी के ऊपर जॉब फोकस किया जाएगा। आप उसी के ऊपर नॉलेज गेन कीजिए, FRP प्रोडक्ट और कार्बन फाइबर ग्लास प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और नया नया सॉफ्टवेयर सीखिए, क्योंकि कटिया और UGNX ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज होता है ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर। आप कौन सा डोमेन लेना चाहते हैं, इंटीरियर डोमेन लेना चाहते हैं डिज़ाइनिंग में, कि एक्सटीरियर डोमेन लेना चाहते हैं, कि सीटिंग लेना चाहते हैं, कौन सा डोमेन लेना चाहते हैं, उसी के रिलेटेड आप स्टडी कीजिए। जो फ्रेशर्स है वो सॉफ्टवेयर पे नॉलेज गेन कीजिए, जो सॉफ्टवेयर जानना चाहते हैं, अभी कटिया और NX ये दोनों सॉफ्टवेयर ऑटोमोटिव में बूम है, आप लोग ये सॉफ्टवेयर लर्न कर सकते हैं। और आपको प्रोडक्शन और क्वालिटी में जाना है तो ऑटोमोटिव रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलेटेड आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जो डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, मैंने जैसे आपको बोला, वो सारे सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ेगा और डोमेन की नॉलेज गेन करना पड़ेगा। सीटिंग हो, प्लास्टिक इंटीरियर एक्सटीरियर हो, उस चीज़ के ऊपर आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तीसरा सेक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल भी बहुत ही डिमांड होने वाला है अभी, क्योंकि जो ऑटोमेशन सेक्टर ग्रो होने वाला है उसमें PLC और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी लगने वाला है, इलेक्ट्रिकल की भी रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बंदे कैरियर ग्रो करना चाहते हैं वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, नहीं तो PLC सॉफ्टवेयर भी सीख के आप प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों बंदों को भी आप सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो वो सब सीख सकते हैं, नहीं तो मेंटेनेंस। ऑटोमोटिव सेक्टर अभी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल जनरेट होने वाला है, अभी मैन्युफैक्चरिंग उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जा रहा है, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अभी बहुत बूम होने वाला है। वो रिलेटेड ट्रेड के जो बंदे फ्रेशर्स हैं, कि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो एम्बेडेड PLM और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस रिलेटेड, ये सब रिलेटेड पे आप थोड़ा कोर्स किए, आप नॉलेज गेन किया, तो आपको जॉब इस टाइम पे मिल सकता है और आपको कैरियर भी अच्छा आगे बन सकता है। नेक्स्ट आता है एरोस्पेस सेक्टर। एरोस्पेस अभी पूरा बंद पड़ा हुआ है, कोई कंट्री के साथ एयरस्पेस की कनेक्शन नहीं, एरोप्लेन अभी बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, पैसेंजर जाना आना भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री को बंद है, तो एरोस्पेस इंडस्ट्री अभी ठप पड़ा हुआ है, कोई नया रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पुराना रिक्वायरमेंट था उसी पे ही चालू है, रनिंग है। तो एरोस्पेस पे आपको ग्रो करना है तो मैक्सिमम एरोस्पेस में अभी मेंटेनेंस मैनुअल, ऑथरिंग, इलुस्ट्रेशन, टेक्निकल राइटर, ये सब जॉब की बहुत डिमांड होने वाला है। और आपको कोर लाइन में जाना है तो आपको FRP, कार्बन फाइबर, GRP ये सब रिलेटेड में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है उसकी नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो प्लेन की बॉडी रहता है वो कार्बन फाइबर पर बनता है,
तो इसी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके टेक्निक्स, उसके रिलेटेड नॉलेज आप गेन करके ये रिलेटेड में आप आगे जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। तो आपको नहीं तो दूसरा मैंने जो आपको बताया इलस्ट्रेशन ऑथरिंग रिलेटेड, वो एरिया पे आप जॉब कर सकते हैं, नहीं तो एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के ऊपर जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिविल इंजीनियरिंग। अभी मार्केट में सिविल इंजीनियरिंग के जो बंदे हैं, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, वो बंदे अभी बहुत टेंशन में है, क्योंकि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है, कोई फ्लैट परचेज नहीं कर रहा है, कोई नया स्ट्रक्चर अभी नहीं बन रहा है, सारे सिविल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम बंद है। तो इसी दौरान लोगों के मन में बहुत ही टेंशन है, जो सिविल इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे थे, जिनकी जॉब चला गया है, जो उनकी पास आउट अभी इंजीनियरिंग पास हुए हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके मन में अभी टेंशन है कि आगे फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर अभी नहीं है, बट ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फिर से ग्रो करेगा, बूम करेगा। तो इसी टाइम पे, जिस टाइम पे बूम नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे आपको थियोरी रिलेटेड, सिविल रिलेटेड, स्ट्रक्चरल रिलेटेड, आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस रिलेटेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चरल एनालिसिस रिलेटेड सॉफ्टवेयर को आपको सीखना पड़ेगा। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स आपको जाना, घर की इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स आपको करना है, तो वो रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। तो आपको टेक्ला एक सॉफ्टवेयर है, रेबिट है, ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है, जो कि स्टील स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है, कितना स्ट्रेंथ लेगा, ये सब रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं। तो आप ये सॉफ्टवेयर भी लर्न कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। आपको अभी ट्यूटोरियल किधर नहीं जाने को होता है, तो आप ऑनलाइन भी देख के उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको फील्ड के ऊपर जाके जॉब करना है, तो उसी के रिलेटेड जो थियोरी है, क्या करना है, क्या नहीं, कैसे मैन पावर हैंडल करना है, कैसे स्ट्रक्चर बिठाना है, क्या उसके जो थियोरी रहता है, उसी के रिलेटेड आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे मार्केट ओपन होगा, तो आप ये रिलेटेड आप स्टडी किए होंगे, तो आप आराम से जॉब पा सकते हैं। सिविल में भी और बहुत सारे लेआउट डिजाइनिंग, प्लांट लेआउट, एवरीथिंग आप ऑटोकैड करके भी, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में भी आप कर सकते हैं, ऑटोकैड भी आप लर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग भी चालू हुआ है अभी, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब में सर्च करके कहीं दूसरे उनकी वेबसाइट पर जाकर आप लर्न कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं आईटी सेक्टर के ऊपर। आईटी सेक्टर के लोग अभी बहुत टेंशन पे हैं, क्योंकि अमेरिका में और यूरोप में, यूके में ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन इतने जोर से ग्रो कर रहा है, इतने डेथ हो रहा है, तो उनकी जॉब अभी इनसिक्योर होते चालू है, बहुत सारे लोगों की जॉब गया भी है उधर। तो इधर भी बहुत सारे आईटी क्राउड बहुत टेंशन में है, उनकी जॉब कितने दूर तक सिक्योर है वो अभी टेंशन में है। बट हाँ, कुछ आईटी इंडस्ट्री अभी, जो अलग अलग डोमेन की आईटी इंडस्ट्री रहता है, अभी कुछ आईटी इंडस्ट्री में बहुत बूम है, जैसे कि एनिमेशन हो, वेब पेज डेवलपमेंट हो, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए जो कमांड लगता है, बैंकिंग सेक्टर भी ऑनलाइन डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, गूगल पे, फोन पे, ये रिलेटेड का ज़्यादा डिमांड हो रहा है। अभी हर सारे चीज ऑनलाइन सभी हो रहा है, मनी ट्रांसफर, मनी डिपॉजिट, एवरीथिंग सभी ऑनलाइन हो रहा है। तो इस रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, कि जो भी उसी रिलेटेड है, उसकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसी रिलेटेड अभी आईटी बूम करने वाला है। तो वो एरिया में जो लोग हैं, कुछ मेडिकल इंडस्ट्री में भी आईटी की जो प्रोग्रामिंग लगने वाला है, वो सारे चीज़ अभी बूम होने वाला है। इस रिलेटेड आप जॉब करना चाहते हैं, कि इस रिलेटेड पे आपका नॉलेज है, तो आप आराम से जॉब कर सकते हैं, और आपका कैरियर भी ग्रो होगा, और आपकी जॉब भी सिक्योर रहेगा। ये सब जो मैंने इंजीनियरिंग रिलेटेड लोगों के बारे में बताया, कौन सा जॉब सिक्योर है, कौन सा अभी मार्केट डाउन है, उसमें क्या क्या करना है, ये सारे चीज़ आप फोकस किए, सारे पॉइंट्स को आप फॉलो किए, तो आगे जाके आपको अच्छे से जॉब भी मिल सकता है, और जो लोग अभी कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं, उनको और आगे कुछ फ्यूचर ग्रो करने के लिए, ये जो मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, वो सारे सॉफ्टवेयर लर्न किए और कुछ थियोरी आप गेन किए, तो आगे जाके आपका कैरियर भी ग्रो कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने ये पॉइंट्स बताए, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को यूजफुल भी होगा। आपको ये पॉइंट्स अच्छा लगा, तो आप आपके दोस्त को शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। कुछ और वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट देके बाद उसी रिलेटेड वीडियो में बना के अपलोड करूंगा। और भी कुछ सजेशन है तो प्लीज शेयर कीजिए। पुराने वीडियो जितने भी है उसका लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और प्लीज़ न्यू यूजर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।